ओके तो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं मंडे को कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या गैप ओपन होगा। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पहले ग्लोबल मार्केट ठीक है, उसके बारे अपन डेटा के बात करेंगे। देखो इंडेक्स डेटा, ये जो कॉल इंडेक्स पुट होता है, ये ग्लोबल मार्केट के साथ ही ये वर्क करता है। अगर ग्लोबल मार्केट मान लो बेरिश हो और इंडेक्स डेटा अगर बुलिश हो तो ये अपोजिट वर्क नहीं करता है ना, ये ध्यान रखना है आपको ठीक है। तो मार्केट क्या हो, ग्लोबल मार्केट प्लस इंडेक्स डेटा दोनों एक मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके वर्क करेगा है ना, ये ध्यान रखना। ये मैं आप बहुत पहले बता चुका हूँ, जो लोग नए हैं वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि इंडेक्स डेटा बुलिश है आप कि बाय करना है सेल करना है, इसके बेसिस पे आप बाय सेल नहीं कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप ये ध्यान रखो, इंडेक्स डेटा इंडेक्स कॉल इंडेक्स पुट देख के आप बाय सेल नहीं कर सकते हो। ओके, बेशक ये डेटा बुलिश ही हो, आप इसके ना आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए है ना। इंडेक्स डेटा प्लस ग्लोबल मार्केट आपको देख के ही आपको उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है कि आपका स्ट्रेटेजी क्या, आपका पर्टिकुलर बाइंग कहाँ पर होगा, पर्टिकुलर सेलिंग क्या होगा, यानी स्ट्रॉन्ग आपका बायर जोन फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, सेलर जोन प्लस की लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंडेक्स डेटा प्लस ग्लोबल मार्केट, फिर ये आता है लास्ट में आपकी स्ट्रेटेजी आती है ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो अगर इंडेक्स डेटा के बेस पे आप बाय सेलिंग कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है आपको प्रॉफिट होना। ओके, और बिगिनर गलती भी करता है, बहुत लोग कमेंट भी अगर आता है मेरे को। तो अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो यूरोपियन मार्केट की बात करें एंड यूएसए मार्केट बात करें, एशियन मार्केट कम्प्लीटली क्या है, सबका सब बेरिश है। ओके, तो कम्प्लीटली यहाँ पर बेरिश है, तो मार्केट क्या है कि चांसेस यहाँ पर पूरे हैं कि मार्केट एंड गैप डाउन ओपन होगा। ओके, क्योंकि चांस पूरा बना हुआ है, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट ये भी है माई डियर फ्रेंड्स। ओके, इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर भी है कि जो इंडेक्स डेटा है वो बुलिश के लिए राइट हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 1,40,000 के आसपास इसने क्या किया है, लॉन्ग किया है, प्लस इसने 50,000 के साथ इसने क्या किया, शॉर्ट भी किया है। तो अगर मैं इधर कहूँ तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं मार्केट को, तो कि सिंपल अगर आप देखो तो प्रो ट्रेडर ने क्या किया, लॉन्ग किया, बट सबसे ज़्यादा इसने शॉर्ट भी किया ठीक है। तो प्रो ट्रेडर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर कॉल साइड का इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दोनों साइड से पुट को पोजिशन को हेज किया गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर कितना भी मान लेते हैं कि मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है फॉर एग्जाम्पल है ना, गैप डाउन ओपन के चांसेस है कितना हो सकता है ये अपन नहीं देख सकते, बट अगर मान लेते हैं सपोज कि 200 पॉइंट या 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट क्या है कि रिवर्स होने के चांस यहाँ पर, क्योंकि पोजीशन हेज किया गया है, तो प्राइस क्या होगा थोड़ी देर बाद रेंज हो या स्टॉप होगा या रिवर्स हो जाएगा ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मार्केट कंटिन्यूएशन होगा मंडे को, मंडे को रिवर्स प्राइस होने के चांस यहाँ पर बिल्कुल है, बेशक मार्केट ग्लोबल मार्केट यहाँ पर आपका बेरिश है, बट मंडे को रिकवरी होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं ठीक है। बट अगर आधा एक घंटा दो घंटे में क्या होगा, मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट चेंज होता है, चेंज अगर ग्लोबल मार्केट पर रिकवरी आता है तो ऑटोमेटिक इंडियन मार्केट में रिकवरी आ जाएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, क्योंकि FIA ने क्या किया, पोजीशन के पुट साइड से हेज किया है, तो यानी कंटिन्यूएशन मार्केट गिरेगा नहीं, एंड कॉल साइड से पोजीशन इसने बनाए भी है तो मार्केट को थोड़ा बहुत रिवर्स करेगा जरूर है ना, तो इस हिसाब से मैं लेता हूँ। एंड पर्टिकुलर इंडेक्स को इंडेक्स पुट देख के आप ट्रेड करोगे तो फिर ये आप नहीं कर सकते हो है ना, ये तो सिर्फ डेटा है बड़े लोगों का है ना, आप छोटा अमाउंट है तो पर्टिकुलर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ठीक है। ये समझा, बहुत लोग ऑप्शन चेन का बात करते हैं, तो ऑप्शन चेन में मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बायर एंड सेलर जोन मतलब कि अगर फाइंड करना नहीं आता तब आप यूज़ कर सकते हो, यानी की लेवल्स अगर फाइंड, की लेवल्स में कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड बायर ट्रैप एरिया है ना, सेलर ट्रैप एरिया, अगर आप इसका यूज़ करते हो तो फिर ऑप्शन चेन देखने का जरूरत नहीं है ठीक है। बट अगर ऑप्शन चेन अगर आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो या नहीं समझ में आता है तो फिर ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट से आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है ठीक। अब थोड़ा समझ लेते हैं ऑप्शन चेन का भी, ऑप्शन चेन में देखो 17,350 है ना, तो क्लोजिंग जो है 17,327 है ना, तो मानते हैं 17,350। अब यहाँ पर ये समझो कि अगर मार्केट 200 या गैप या 100 पॉइंट गैप डाउन पर, मान लेते हैं 17,350 जो ओपनिंग होता है, 17,000 आप देख सकते हो यहाँ पर, 17,000 प्लस 72,000 ठीक है, यहाँ पर का स्ट्रॉन्ग सिलेबस है। ओके, ये जो चेंज हुआ है, चेंज का मतलब ये है कि ये ओपन इंटरेस्ट पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप लोग, कोई गया है कोई आया है, मैं आपको एक आम लैंग्वेज में यानी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई गया है एंड कोई आया है ना, चेंज मतलब माइनस में नहीं है ये ठीक है, तो माइनस में नहीं, तो इसका मतलब पोजीशन अभी भी इन लोग का ओपन है करेक्ट। 17,200 आसपास अगर मार्केट, अब समझो 17,200 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, मार्केट अगर 17,200 के आसपास जाता है और वहाँ पर अगर प्राइस क्या होल्ड करता है,
होल्ड मिस की रेंज करता है ना, तो रेंज करता है तो वहाँ पर क्या होगा पता है, रेंज हो, अगर रेंज हुआ तो प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हुआ, क्योंकि अगर 17,200 पे, ठीक है 17,200 पे यहाँ पर क्या कि चेंजेस हुए हैं, प्लस उतना ओपन इंटरेस्ट इसके पास है ना, इतने लोग यहाँ पर ऑलरेडी है ना ओपन करके पोजिशन है, तो समझो अगर यहाँ पर वो प्राइस को होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं अगर अपसाइड के लिए, ऐसे मार्केट डाउन आया डाउन आया डाउन आया और 17,200 पे यहाँ पर क्या होल्ड किया पोजीशन, इसका मतलब ये क्या है कि ये लोग क्या है, ये लोग प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये आपको वर्क कर रहा है ना, आपको ये आइडिया लग जाएगा ठीक है। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा कि मैं बोलता हूँ रेंज होने का वेट करो, जब भी पिटीशन देता हूँ रेंज होने का वेट करो फिर जाके आपको ब्रेकआउट, तो ये वही सिचुएशन है। ओके करेक्ट, वहाँ मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं दिखाता हूँ ना, तो यहाँ पर आप ये समझ लो, तो यहाँ पर अगर होल्ड किया प्राइस एक लेवल पे, तो प्राइस अगर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो आपको एंट्री मिल जाएगा ठीक है, बट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ इसका मतलब ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है ये, है ना सिंपल सा लॉजिक है। ओके एंड सेम 17,200 के आसपास आप इस लेवल को देखो ठीक है, यहाँ पर लगभग 7,000 के आसपास इसने ओपन किया है एंड इतना चेंज हुआ है 35,000, तो इसका मतलब ये क्या है कि आधा आधा ये चेंज हो चुका है ना, यानी आधे लोग यहाँ से गायब हुए हैं, तो आधा लोग कोई गया है यहाँ से तो आधे लोग आए हैं, है ना, यानी 35,000 लोग कोई गया है यहाँ से तो 35,000 लोग आए हैं, बट इसमें से सिर्फ गया है कोई तो कोई तुरंत आया है ना, यहाँ पर एग्जिट कोई नहीं किया है, यानी दो लोग यहाँ पर है ना, कहने का मतलब मेरा ये, यानी है ना, तो आपको ये समझना है कि इस एरिया से पर्टिकुलर क्या अपने को ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है ओके, बट इस एरिया पर्टिकुलर अगर आप देखकर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हैवी अमाउंट से लोग दोनों तरफ है ना, तो कहने का मतलब है कि मार्केट का 17,200 के पास अगर होल्ड करता है तो प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बने हुए हैं। ओके पहले थे, दूसरा क्या कि 17,300 के आसपास भी यहाँ पर पोजीशन ओपन है ठीक, 17,300 के आसपास भी पोजीशन ओपन है एंड 17,100 के आसपास भी पोजीशन ओपन है, तो जब भी किसी भी लेवल पे प्राइस होल्ड करेगा पुट साइड तो आपको अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपको एंट्री मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है ठीक है। बट इम्पोर्टेंस पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स कि अगर मार्केट अगर रिवर्स होता है, मानते हैं 17,300 से अगर रिवर्स होता है ऊपर जाता है 17,450 17,500 तक, कहाँ तक जा सकता है ये समझो है ना, अब सीधा सीधा ये लॉजिक आप समझो यहाँ पर ठीक है, 17,600 का समझो एंड 17,500 का एंड उसके बाद तो ये तो नियरली है ओके 17,450 का है ना एंड प्लस ये ठीक है। अब इन लेवल पे प्राइस क्या ब्रेक कर सकता है या नहीं ब्रेक कर सकता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आइडिया है जो आप पर्टिकुलर आप निकाल सकते हो ओके, आप प्लस स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही देख लो आप ट्रेड वगैरह ले लो, ऐसा नहीं करना है ठीक है, स्ट्रेटेजी प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। तो समझो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर पोजिशन क्या है, यहाँ पर भी देखो पॉइंट यहाँ पर हैवी मतलब चेंजेस हुए हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे चेंजेस हुआ है, यहाँ पर चेंजेस हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ओपन टेस्ट कहाँ पर चेंजेस हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर 18,000 या 48,000 है तो अगर 30,000 है 74,000 है, तो इसका मतलब कि इस लेवल पे 17,100 के आसपास यहाँ पर चेंजेस सबसे ज़्यादा हुआ है ठीक है। तो मार्केट अगर 17,200 17,100 के बीच में 150 के बीच में अगर प्राइस होल्ड करेगा तो रिवर्स होगा अपसाइड ब्रेकआउट होगा ठीक है, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा मूवमेंट कर सकता है आपका, सबसे पहले जो मूवमेंट कर सकता है वो आपका आ सकता है 17,300 के आसपास, अगर 17,300 ब्रेक होता है तो ये क्या करेगा आपका देखो नियरली चेंजेस हुआ है ना, दोनों साइड यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ, तो ये जो अगर ये ब्रेक हुआ 17,400 ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली आपको देखना है 17,500, यानी हर 100 पॉइंट के पास प्राइस अगर रेंज होता है अगर डायरेक्शनली ब्रेकआउट होगा तो होल्ड करना है पोजिशन, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, एंड अगर रिवर्स हुआ है ना, अब मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एंड 17,450 क्या है ना, 17,450 अगर प्राइस क्या हुआ जैसे मार्केट गया 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 है ना एंड गया उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर प्राइस होल्ड किया ठीक, अप साइड ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब क्या कि एक्टिव है बायर है ना, बट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ इसका मतलब प्राइस ट्रैप हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है समझ रहे, पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है तो मार्केट क्या होगा गिरने के चांस अपन, क्योंकि प्राइस एक बार भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जब भी होल्ड करे प्राइस अप साइड ही ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाए प्राइस उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर डाउन साइड ट्रैप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सेलर अभी भी इंटरेस्टेड है, इसीलिए क्या कि यहाँ पर बायर क्या कि ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है ना, तो यानी ये जो कोई भी लेवल्स हो चाहे वो आपका 17,500 17,400 हो या आपका आपका 17,200 हो, तो ये लेवल्स वर्क नहीं कर रहे हैं ना, सिंपल सा मैं आपको रफ आइडिया दे दिया हूँ, आप इसके बेसिस पे और अपने स्टडी के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो और ट्रेड वगैरह निकाल सकते हो फ्रेंड्स ओके, बट प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है मैं आपको बता दूँ, प्लस इंडेक्स डाटा अपना हेज किया गया पुट साइड से, प्लस
कॉल साइड से लॉन्ग आई है तो मार्केट क्या होगा, सपोर्ट जरूर करेगा, इंडेक्स डेटा भी सपोर्ट करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट क्या हुआ रिवर्स हुआ तो अपना फेवर प्राइस रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ग्लोबल मार्केट जरूर देखना है ट्रेड करते हैं। पहले आपको एक बार जरूर यूरोपियन एशियन एंड ये आपका यूएसए मार्केट जरूर देखना है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो को देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, प्रॉपर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप डेली कुछ ना कुछ पैसे बना सकते हो। ओके, कुछ और जानना वगैरह है तो आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब डेली कुछ ना कुछ आप बना सकते हो, है ना, 2,000, 3,000, 4,000 कुछ भी मतलब आप बना सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं बना सकते, डेली आप बना सकते हो। यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, आपको ईजिली आपको समझ में आएगा, और आप चेक भी कर सकते हो 1-2 महीने का, यहाँ पर पोस्ट भी किया गया, डेली का पोस्ट किया गया तो आप चेक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।